हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर फाइव और क्लास टेंथ आज की जो वर्कशीट है उसकी डेट क्या है फोर्टीन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके सो डेट ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पर लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट आज का आपका टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन प्लेन क्या होता है इसके बारे में हम इस वर्कशीट में सीखेंगे सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं ठीक है इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं इनको देखेंगे हम कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन क्वाड्रेंट और रीजन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एप्सिकस एंड ऑर्डिनेट्स ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में हम जानेंगे वैसे मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में सब कुछ बताया था इन सब चीज़ों के बारे में बताया था जिन्होंने हमारी लास्ट वर्कशीट देखी होगी उन बच्चों को इस बारे में पता होगा और जिसने कंप्लीट वर्कशीट देखी होगी ओके फुल वीडियो देखी होगी कार्टिशियन प्लेन एप्सिकस एंड और ऑर्डिनेट मैंने नहीं बताया था बट येस आज की वर्कशीट में हम उन्हें भी जानेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इमोजीज़ दे रखे हैं और उसमें क्या कहा गया है ये भी पढ़ते हैं सबसे पहले मोजीज़ क्या कह रहे हैं सबसे पहले जो आप देख सकते हैं सेंटेंस है हाउ कैन आई टेल द पोजीशन ऑफ अ डॉट ऑन द पेपर टू माय फ्रेंड एक पेपर है और अगर इस पर एक डॉट है तो इस डॉट को मैं कैसे अपने फ्रेंड को बताऊं कि ये डॉट कहाँ पर है सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर है ठीक है इस पर एक डॉट है सेकेंड पेपर पे अगर आप देखेंगे तो डॉट कैसे शो किया गया है एक लाइन जो है वो इस तरफ से ऊपर जा रही है और दूसरी इस तरफ से और जहाँ पॉइंट है ये इसको यहाँ पर हाईलाइट कर तो इस बात को ध्यान से देखेंगे क्यों यहाँ पर जो सेकेंड एमोजी है वो क्या कह रहा है लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन कैन हेल्प अस लर्न अबाउट इट ठीक है तो अगर हम उसी पॉइंट को लोकेट करते हैं किसी सरफेस पर तो उसे हम क्या करते हैं उसी को हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं तो आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ ग्राफ की बात हो रही है ओके okay? जहाँ एक ग्राफ होता है आप देख सकते हैं उस ग्राफ पे ऐसे लाइंस होती हैं और अगर आपको कोई भी पॉइंट शो करना है तो आप बहुत ईजीली शो कर सकते हैं ना सो दिस इज़ कार्टेशियन प्लेन अब ये ग्राफ कैसे इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं ये भी हम जानेंगे हॉरीजेंटल एंड वर्टिकल लाइन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे हॉरीजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ये दो लाइंस जो होती हैं इनके बारे में अगर आपको वर्टिकल लाइन बोली जाए तो वो होती है स्ट्रेट और हॉरीजेंटल होती है वो कैसी होती है ऐसे ठीक है इनके बारे में हम पढ़ेंगे बट अभी आपको जो दिए गए मोजीज हैं इनको समझते हैं सबसे पहले बोला क्लास रूम सिटिंग अरेंजमेंट अगर एक क्लास सिटिंग अरेंजमेंट है ठीक है इसमें अगर हम देखें तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू लोकेट पोजिशन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड लोकेशन ऑफ माई होम इन द लोकेलिटी मतलब आप अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि अगर आप इस गली से ठीक है मान लीजिए फर्स्ट गली से अगर आपको चौथी गली में जाना है फोर्थ स्ट्रीट में तो आप कैसे जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से आप दो गली आगे जाएंगे ठीक है दो गली पड़ेंगी इन्हें छोड़कर जब आगे जाएंगे तो जो तीसरी गली पड़ेगी अभी हम जिस गली में खड़े हैं इससे दो गली आगे स्ट्रेट जाएंगे छोड़कर तीसरी गली उसमें आप राइट टर्न लेके जो तीसरा घर होगा ठीक है पहला घर दूसरा घर जो तीसरा घर होगा वो मेरा है तो आप यहाँ से बता सकते हैं ना कि आप कैसे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो इस पॉइंट पर आपका घर है तो अगर हम इसे ग्राफ के उससे देखें तो एक्स एक्सिस ये हो जाएगा और वाई एक्सिस ये हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या बताया गया कि अगर हम क्लास में कहाँ बैठे हैं या फिर हमारा घर कहाँ पे है तो ये बताने के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर मैं आपको इसी ग्राफ में शो करूँ तो क्या बोला क्लास रूम सिटिंग अरेंजमेंट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं आप जो बैठे हैं आपकी पोजिशन कहाँ पर? पर है आपकी पोजिशन यहाँ पर है ठीक है ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर आपकी पोजीशन कैसे जैसे आप बोल सकते हैं ना कि क्लास में एंटर होते ही मेरी सीट कहाँ पर है सेकेंड रो में थर्ड डेस्क ठीक है सेकेंड रो में थर्ड डेस्क किसका है मेरा है मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ ऐसे आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट रो में फोर्थ सीट मेरी है तो ये क्या है आप बता सकते हैं कि इस रो में ठीक है ये वाली सीट अगर आप जाएंगे इस वाले कॉलम में तो यहाँ पर मेरी सीट मिल जाएगी मान लीजिए चार कॉलम है ठीक है और उसमें से आपकी जो फर्स्ट रो है उसमें आप बैठते हैं ठीक है चार कॉलम है तो उसमें आप बताएंगे कि चार कॉलम में जो लास्ट वाला कॉलम है फोर्थ कॉलम उसकी फ़र्स्ट सीट मेरी है तो आप इजली बता सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में भी कुछ ऐसे ही होता है मैं एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ जिससे आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट करके ईजली समझ सकें ओके बाकी एग्जांपल्स तो आपको दिए ही हैं और अच्छे से समझने के लिए अब वर्टिकल लाइन मैंने आपको बताई थी जो स्ट्रेट होती है बिल्कुल ठीक है स्ट्रेट होती है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन और जो ऐसे होती है ठीक है लेटी हुई होती है ये क्या होती है हॉरिजेंटल लाइन होती है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम वर्टिकल बात करें तो वर्टिकल का क्या होता है वी वी को आप देख सकते हैं कि जो वी होता है अगर इसमें नीचे एक डंडा खींच दे तो क्या हो जाएगा वाई तो वाई एक्सिस क्या होता है हमारा वर्टिकल होता है एक सिंपल सा आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ याद करने के बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पे एच है एच एच एक्स बन सकता है ठीक है एच एक्स बन सकता है तो ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया ठीक है तो याद रखेंगे हॉरीजेंटल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सेस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है सिंपल सा तरीका है याद करने के लिए देन ओरिजन क्या होता है ओरिजन याद रखेंगे कि जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है तो जो मिडल में पॉइंट बनता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हमारा ओरिजन होता है ठीक है ये हमारा क्या होता है ओरिजन और ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो ज़ीरो होते हैं याद रखेंगे मतलब एक्स एक्सिस भी जीरो होता है और वाई एक्सिस भी जीरो होता है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ देन इसके बाद क्वाड्रेंट मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बहुत अच्छे से बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसके दोनों ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है उसका जो एक्स एक्सिस है वो माइनस होता है और वाई एक्सिस क्या होता है प्लस का होता है देन थर्ड क्वार्डेंट जो होता है इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों ही माइनस के होते हैं फोर्थ क्वार्डेंट में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होता है बट वाई एक्सिस क्या होता है माइनस होता है ओके okay, तो इस बात का ध्यान रखेंगे ये आपकी क्या है ये आपकी एक्स एक्सिस यहाँ लिखा हुआ है ना एक्स एक्सिस ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस ओके देन इसके बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर थर्ड एक और ब्लॉक बना के दिया गया अब इसमें हमें क्या समझाया गया कि एप्सिकस क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एप्सिकस क्या बोलते हैं एप्सिकस ठीक है और जो वाई कोऑर्डिनेट जो y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं मतलब y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट ठीक है मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट में कन्फ्यूज़ ना हो सिंपली अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट्स एंड ऑर्डिनेट्स अलग होते हैं ठीक है ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि y एक्सिस के पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई और एक्स एक्सिस दोनों के पॉइंट्स ओके एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं उससे बोलते हैं एप्सिकस तो यहाँ पे कभी भी कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज ना हूँ इसीलिए हाइट हाईलाइट हाई हाई करके आपको बता रही हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं वाई एन वाई एन एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वन वन क्या है वन तो एक्स एक्सिस पर आ रहा है ये आपका एफ सिकस है और थ्री वाई एक्सिस पर आ रहा है ये आपका है ओके तो ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा जब आप इसे अच्छे से एक बार खुद से देखेंगे ठीक है ग्राफ पर तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा देन इसके बाद है ट्राई टू आंसर आपको एक ग्राफ दिया गया है इसको देख के आपको आंसर करना है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आपको इसे देख के आंसर करना है और बाकी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सेंटेंसेस को रीड करना है और आपको जो भी वर्कशीट में भी पढ़ाया गया उसी बेस पर इसे फिल करना है तो चलिए इसे देखते हैं सॉल्यूशन के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ये भी मैसेज दिया है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वी आर अ मास्क तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है ट्राई टू आंसर में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट द नेम ऑफ़ द फॉलोइंग आपको दिए गए जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट है इसमें आपको करना क्या है आपको सेंटेंस रीड करना है उसके बाद आंसर बताना है तो सेंटेंस फर्स्ट है हॉरीजेंटल लाइन ड्रॉन टू डाटामाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिशन प्लेन जो हॉरीजेंटल लाइन होती है ये वाली ठीक है ये कौन सी पोजिशन यहाँ पे आपको बोला भी है हॉरीजेंटल लाइन ड्रॉन टू डाटामाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिशन प्लेन तो अगर हम हॉरीजेंटल लाइन देखें तो इसमें पॉइंट्स जो होते हैं ठीक है वो किसके होते हैं अगर सिंपली समझें तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं किस लाइन के पॉइंट्स होते हैं ये किस लाइन के पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं तो एक्स एक्सिस के करते हैं सिंपल है सो तो आप लिखेंगे एक्स एक्सिस ठीक है ऐसे ही है वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डेटामाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन तो वर्टिकल लाइन का आपको बताना है कि वर्टिकल लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स ठीक है किसकी पोजीशन यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं वाई एक्सिस की पोजीशन हाईलाइट करें कि वाई एक्सिस किस पॉइंट पर बन रहा है ठीक है तो इसको याद रखना है उसके बाद थर्ड है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन जो भी दो लाइन है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इससे हम यहाँ पर क्रॉस करके ठीक है एक आप देख सकते हैं फिगर बनाइए है। तो जितने भी इसके पार्ट होते हैं ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स तो जितने भी पार्ट बनते हैं ठीक है आप देख सकते हैं फोर पार्ट्स बन रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं हर पार्ट को हम क्या कहते हैं एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं ऐसे ही अगर चारों पार्ट को देखें तो चार हो गए तो क्वाड्रेंट्स हो गए ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स अभी पढ़ाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ ठीक है तो फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं इसलिए मैंने क्वाड्रेंट्स लिखा है ठीक है हर पार्ट को अगर यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो कौन क्या बनता है आपको ये बताना है इसके बाद बोला गया है द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को कट करती हैं इसे हम ओरिजन बोलते हैं मैंने आपको बताया था ठीक है और इसके ऑर्डिनेट जीरो होते हैं ये भी बताया था तो इसीलिए बहुत सिंपल है आई थिंक आप लोग को ईजिली समझ आ गया होगा चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग आपको इस फिगर को देखना है और आंसर करना है अब देखिए इस फिगर में आपको सबसे पहला जो दिया गया है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बी के कोऑर्डिनेट्स बताने तो बी आपका पॉइंट कहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहाँ आ रहा है एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है माइनस फाइव ठीक है उसके बाद अगर हम वाई देखें तो वाई हमारा क्या है टू है ठीक है वाई हमारा क्या आ रहा है वाई हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे टू बन रहा है ठीक है तो ये कुछ ऐसे है वाई हमारा टू पॉइंट पे है और एक्स हमारा माइनस फाइव पे तो हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए माइनस फाइव एंड टू इसके बाद सेकेंड है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं चलिए सी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं सी आपका यहाँ पर बन रहा है इसका सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस कहाँ पर आ रहा है ठीक है तो एक्स एक्सिस इसका आ रहा है यहाँ पर फाइव ठीक है वाई एक्सिस अगर आप देखें तो इसका कहाँ पर आ रहा है वाई एक्सिस आ रहा है माइनस फाइव ठीक है तो आपका एक्स एक्सिस क्या हो गया फाइव एंड वाई एक्सिस हो गया माइनस फाइव ओके तो आपके कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गए थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पर माइनस थ्री और माइनस फाइव बन रहे हैं ठीक है ये कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के हैं तो सबसे पहले आप माइनस थ्री देखें माइनस थ्री यहाँ पे एक्स एक्सिस का है याद रखेंगे माइनस थ्री एक्स एक्सिस का है तो माइनस थ्री आपका ये रहा इस साइड में ये पॉइंट इसके बाद माइनस फाइव है ये आपका वाई एक्सिस का है माइनस फाइव आप देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर है ठीक है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस थ्री यहाँ से और फाइव यहाँ से माइनस फाइव ठीक है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट जब मिलते हैं तो कहाँ मिल रहे हैं आके ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आके मिल रहे हैं ई पॉइंट पर तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ठीक है ये क्या होगा ई होगा ठीक है सो आप यहाँ पर लिख देंगे आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ठीक है हम कोशिश करते हैं आपको टाइम से हर वीडियो को प्रोवाइड करवाएं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें सिर्फ और सिर्फ आंसर ही प्रोवाइड करवाना हमारा मोटिव नहीं है हम आपको समझाना भी चाहते हैं कि आप लोग प्रॉपरली चीज़ों को पॉइंट्स को अच्छे से समझ फिर आगे बढ़ें जैसे आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो ओके सो बाय स्टूडेंट्स